दोस्तों बॉलीवुड में हर किसी का सपना होता है अगर वो फिल्मों में काम करे तो बतौर हीरो, पर कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो हीरो की छवि वाले तो होते हैं पर बावजूद इसके वो महज एक सपोर्टिंग एक्टर बनके रह जाते हैं। इस लिस्ट में एक खास नाम दीपक तिजोरी का भी शामिल है जो बतौर हीरो हमेशा असफल रहे, पर लोगों ने इन्हें हर बार सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर हिट बनाया। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने जबरदस्त रोल और फेमस ये एक्टर आज गुमनाम एक्टर की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें हर कोई आज भुला चुका है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दीपक तिजोरी आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 90 के दशक के प्रसिद्ध अभिनेता दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था, इसलिए इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही हुई और बाद में इन्होंने नरसी मौसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मुंबई में एक थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर में शोज करने के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए, और काफी ऑडिशन देने के बाद इन्हें साल 1988 में फिल्म तेरे नाम मेरा नाम में अभिनय करने का मौका मिला, और इस फिल्म के साथ इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। हालांकि इस फिल्म में इनका छोटा सा रोल था, लेकिन इसी छोटे से रोल में इन्होंने अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया था। इनके अभिनय की प्रति दीवानगी को देख कर इनसे कई निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया, जिनमें खिलाड़ी, आना, आशिकी और कभी हाँ कभी ना जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में बेशक सहायक किरदार निभाए, पर उन्हीं किरदार को निभाकर इन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। कई फिल्मों में इन्हें सहायक भूमिकाएं निभाने के बाद आखिरकार साल 1993 में बतौर मुख्य एक्टर फिल्म में नशा में काम करने का मौका मिला, जिसमें रवीना टंडन और पूजा भट्ट इनके अपोजिट नजर आई थी, पर इनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, जिससे निराश होकर इन्होंने अपना रुख फिल्म निर्देशन की ओर कर लिया, और साल 2003 में फिल्म उप से इन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की। लेकिन इन्हें फिल्म में बतौर निर्देशन कोई पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद इन्होंने फरेब और हैरी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनसे इन्हें हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशन पहचान हासिल हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए आज काफी समय हो चुका है, और इस बीते समय में ये काफी ज्यादा बदल गए हैं। वर्तमान में ये 58 साल के हो गए हैं और काफी बूढ़े भी दिखते हैं, साथ ही इनके लुक्स में भी काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों में इनका बदला हुआ लुक देख कर शायद ही आप इन्हें पहचान पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीपक तिजोरी इसी साल इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर वेब सीरीज से अपने अभिनय करियर की दोबारा शुरुआत कर चुके हैं। वहीं बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने फैशन डिजाइनर शिवानी से शादी की है, जिनसे इन्हें एक बेटी समायरा है जो आज काफी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों आपको दीपक तिजोरी का कौन सा रोल बेहद पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी अनसुनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।